धमतरी जिले के अंतर्गत आने वाले कुरुद ब्लॉक के ग्राम बागवत में मड़ाई के साथ ही त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जय चंडी बाल समाज के अध्यक्ष संतोष पाठक ने बताया कि इस मानस गान प्रतियोगिता को लगभग 30 से 35 साल हो चुके हैं। कोषाध्यक्ष शिवानंद सिंह ने बताया कुरुद ब्लॉक के बागवत के ग्राम के आसपास कुर्रा कोलियरी बागदाई और बुस्टेगा में मानस गान प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें बारी बारी से प्रतिभागी मंडलियों ने अपनी कला को मंच के माध्यम से निखारा। समापन समारोह में तिलोक चंद जैन भाजपा मंडल अध्यक्ष नानक साहू हुलेश चंद्राकार छन्नू साहू नारायण साहू तथा जय चंडी बाल समाज के सदस्य एवं ग्रामीण उपस्थित हुए। प्रतियोगिता में चंचल ज्योति बालिका मानस मंडली छुई धमतरी आयोजक जय चंडी नाट्य कला मंच एवं समस्त ग्रामवासी बागवत का विशेष सहयोग रहा। विशाल भंडारा प्रसादी के साथ समापन किया गया। मैं शिवनल से अभी वर्तमान में जय चंडी मानस मंडली का कोषाध्यक्ष हूं। यहां इस प्रतियोगिता में 32 मंडलियां हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से सभी जिलों से मंडली अपना यहाँ एंट्री शुल्क देकर स्थान बनाते हैं और बारी बारी करके आते हैं। एक दिन में 10 टीम ऐसे करके 3 दिन में 32-35 टोली का कार्यक्रम हो जाता है। ये कार्यक्रम 4 गांव मिलाकर किया जा रहा है और है आसपास गांव में, जैसे बगदई है अपना सहयोगी गांव, कुर्रा है, सिहाद, बगौल जो है। समापन दिवस है और समापन दिवस में आज बहुत अच्छे अच्छे मानस मंडली अपना यहाँ उपस्थिति प्रदान करेंगे और एक अच्छा सा कार्यक्रम होने की पूरी संभावना है और पूरे गांव के सहयोग करते हैं। गांव वाले धन का, तन का, मन का, सबका सहयोग। मैं संतोष कुमार पाठक जय चंडी नाट्य मंडली का अध्यक्ष कार्यक्रम को 1 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुआ है 1 तारीख से और ये प्रतिवर्ष किया जाता है। 30 से 35 वर्ष हो गया ये कार्यक्रम चलते हुए रामायण प्रतियोगिता का और हमारे संस्था आज 102 साल हो गया है और हर वर्ष दशहरा उत्सव मनाया जाता है। धार्मिक चेतना का कार्यक्रम किया जाता है ताकि युवा जो है अध्यात्म से जुड़ा रहे, कहीं भटकाव ना हो। आज देखते हैं कि युवा जो है अपने नैतिकता से अध्यात्म से दूर होते जा रहा है, इसलिए नैतिकता का पतन होते जा रहा है, इसलिए हम इस आयोजन को करते हैं। आज समापन भी है और विशाल प्रसादी का कार्यक्रम भी रखा जाता है और समापन में है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अजय चंद्राकर, वर्तमान विधायक आज समापन का अध्यक्षता कर